ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। कैलाश नगर के बाशिंदों और राज दरबारियों, तुम्हें मालूम है इस रियासत के राजा यानी हमारे सच्चे हमदर्द महाराजा धीराज राणा चंद्रभान सिंह जी को स्वर्गवास हुए काफी जमाना गुजर चुका है। उनका सिंहासन खाली है, मगर उनकी पाक आत्मा सदा अपने सेवकों को नेकी का सीधा रास्ता दिखाती रही है। मैं राज का दीवान और महाराज का एक अदना खादिम होने की हैसियत से ये ऐलान करने में अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। हमारे स्वर्गवासी महाराज ने इस राज के चलाने का बोझ जो मेरे कमजोर कंधों पर रखा था वो अगले महीने के शुरू होने पर खत्म हो जाएगा। आज होली के शुभ दिन अपने प्यारे स्वर्गवासी महाराज के ख्वाहिश के मुताबिक मैं हुक्म देता हूं कि आने वाले महीने के पहले दिन हमारे प्यारे राजकुमार के राजतिलक की रस्म अदा की जाए। लेकिन युवराज अभी तक दरबार में तशरीफ नहीं लाए। आज की सभा शायद मेरे ओहदे की आखिरी सभा है और अनकरीब ही राजकुमार के मजबूत कांधे राजपाट का पूरा बोझ संभाल लेंगे। मेरे आने से महफिल में ये सन्नाटा क्यों छा गया? ये महफिल नहीं, राज दरबार है राजकुमार। आज आपके राज तिलक का ऐलान था, आपको यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। माफी चाहता हूँ दीवान साहब, मुझे अपने इस दोस्त की वजह से कुछ देर हो गई। आपका मतलब इस जानवर से है? जानवर कभी कभी इंसानों से ज्यादा वफादार साबित होते हैं दीवान साहब। खामोश। पिताजी और खासकर अपनी प्यारी माता जी की आज्ञा से, जो कि शायद राजकुमार को मुझसे भी ज्यादा चाहती हैं, मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरे दोस्त राजकुमार यानी हमारे होने वाले महाराज को बधाई दें। युवराज राणा दविंदर बहादुर की, युवराज राणा दविंदर बहादुर की, युवराज राणा दविंदर बहादुर की। Thank you.
को। अरे ये खेल तमाशे प्रजा के लिए होते हैं, राज करने वालों को अपने दिल पत्थर के बनाने पड़ते हैं। ना 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 चाची, मेरा दिल तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, न खोट न कपट, साफ जैसे आईना, जिसका जी चाहे मुंह देख ले। अब चाची अगर मैं दिल पत्थर का बना लूं तो प्रजा का दुख सुख कैसे जान पाऊंगा, है ना बात, है ना बात। अच्छी बात है, जाओ, मैं भी तुम्हारे वो बेड़िया पहनाने वाली हूँ कि फिर एक कदम नहीं हिला सकोगी। बेड़िया? जी हाँ, बेड़िया। मालूम होना चाहिए कि युवराज राणा दविंदर बहादुर के राज तिलक के साथ साथ उनके लगन की तैयारियां भी हो रही हैं, और राजगढ़ की राजकुमारी चंद्रमुखी को राज तिलक पर आने का न्योता भी जा चुका है। अरे भाई सुरेंद्र, हमने ऐसे लंबे चौड़े नाम बहुत सुन रखे हैं, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, पर जब सामने आएगी ना तो ऐसी भयानक होगी, ऐसी भयानक होगी। जैसे बाल, चांद जैसा मुखड़ा, कमल जैसी आंखें, है ना बेटा असली चंद्रमुखी। चाची होली खेलने को जी चाहता है। जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। आज नगरी में रंग है बहार है, गली गली देखो रस की फुहार है, गली गली देखो रस की फुहार है, ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है, ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है, इसी रंग में जीवन रंग लो, ओ मन रंग लो, ओ मन रंग लो, खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। आज मुखड़े से घूंघटा हटा लो जी, ओ जरा सजना से अखियां मिला लो जी, जरा सजना से अखियां मिला लो जी, रंग झूठे मोरे तन पे न डालो जी, ओ रंग झूठे मोरे तन पे न डालो जी, मन प्यार में साजन रंग लो, ओ तन रंग लो, ओ मन रंग लो, जलाए भी
रियासत का सेनापति राजकुमारी चंद्रमुखी को होली की मुबारकबाद देता है। भूल से तुम पर रंग पड़ गया। उम्मीद है कि इस तरह की भूलें बार बार हुआ करेंगी। ये जनाना बाग है, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? खतावार हूँ, खंजर हाजिर है और दिल भी। नादान पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा नहीं। जी राजकुमारी, महाराज के सहित पहले की नस्बत अब कैसी है? महाराज अगर चिंता करना छोड़ दें राजकुमारी तो बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। लीजिए महाराज। लाइए मुझे दीजिए, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी, आशीर्वाद मिलेगा। जीती रहो चंद्रमुखी, ईश्वर तुम्हें दुनिया के सुख दे और मेरी चांद सी बेटी को दो दो रियासतों की महारानी बना दे। कैलाश नगर के स्वर्गवासी महाराज चंद्रभान सिंह हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। उनके बेटे युवराज राणा दिवंदर प्रताप का राज तिलक होने वाला है। फिर ये न्योता भेजा है। लेकिन आप ऐसी हालत में कैसे जा सकते हैं? वहां के राज संचालक दीवान वीर सिंह की पत्नी जिन्होंने राजकुमार को अपने बेटे की तरह पाला है, उनकी ये जिद है कि तुमको वहां आने ही होगा। वो क्यों? वो चाहती हैं कि राजकुमारी चंद्रमुखी कैलाश नगर और राजगढ़ दोनों रियासतों की महारानी बने। ये तोहफा भी भेजा है उन्हीं ने। लो देखो, लो। मंगल का दिन शुभ है, मैंने शाही काफिले को रवानगी का हुक्म दे दिया है। महाराज, कैलाश नगर का रास्ता खतरनाक जंगलों और घाटियों से गुजरता है। मेरी राय में राजकुमारी को यह सफर अकेले नहीं करना चाहिए महाराज। लेकिन क्या तुम्हारे बहादुर सिपाही राजकुमारी की हिफाजत नहीं कर सकते? रियासत की सरहद के इलाकों से राजकुमारी का सफर मेरी हिफाजत में होना चाहिए। सेनापति जी, हम किसी युद्ध पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन बेटी, सेनापति का डर उनकी वफादारी की दलील है। वफादारी की दलील हो या बुजदिली का सबूत, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी पिताजी। महाराज, राजकुमारी राजनीति के मामलों को बिल्कुल नहीं समझती। नहीं नहीं, हम अपनी बेटी को किसी कीमत पर नाराज नहीं कर सकते। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इस मामूली टोकरी में एक मूर्ख की मौत और हमारे अरमानों और आशाओं का कल्याण। ये नागदेव भगवान के दूत हैं, ये मनुष्य को संदेशा भी पहुंचाते हैं और साथ ही उसे भगवान के पास ले भी जाते हैं। सरकार, राजकुमार। आइए युवराज। गलत समय पे आ गया शायद। कोई बात नहीं, हम लोग तो शायद राजनीति के किसी गंभीर चक्कर में उलझे हुए थे। ऐसा ही था राजकुमार, आपके राजतिलक की बात छिड़ी हुई थी। मेरे राजतिलक की? हाँ, आपके राजतिलक की। मैं तो आपके एहसानों के बोझ तले दब गया हूँ दीवान साहब, बिल्कुल दब गया। अगर आप ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। सिंहासन पर बैठोगे तो शायद हमें भूल जाओगे। और अगर सिंहासन पर बैठने से पहले ही मौत आ जाए तो? आपका मतलब? मौत से पहले ही चिंता ने मन को घेर लिया दीवान साहब।
अच्छा आ गया। कहाँ जा रहे हो? तबले की गमक, बंसी की तान और घुंघरुओं की झनकार में मन की चिंता को डुबोने जा रहा हूं। कब तक धूल खिलाओगे? आगे निकालो गाड़ी। अभी कहता हूँ। ओ बदतमीज आदमी, सीधी तरीके से रास्ता दे, नहीं तो बस हाँ बस। नहीं तो क्या करोगे, क्या करोगे? तलवार मार दूंगा। कौन सी? वो जो तुम्हारे पास बैठी है। अरे बदतमीज अंधे, तू को तलवार बोलता है मुझे? शर्म कर दे, शर्म शर्म कर। ये शर्म मुंह जले, छोड़, मैं चलाती हूँ गाड़ी। ये देखकर हमें आनंद होता है कि हर साल दूर दूर से कलाकार अपना अपना कमाल दिखाने हमारी बस्ती में पधारते हैं। आज की सभा एक नर्तकी के नाच से शुरू होगी। संगीत की बाजी में देश के माने हुए साजिंदों को खुला न्योता है। राजलक्ष्मी, तुम्हें आज्ञा है? संगत कौन करेगा? क्षमा कीजिए महाराज, कल की छोकरी की संगत हमें शोभा नहीं देती। कल की छोकरी अगर लय ताल में पीछे रह जाए तो घुंघरू बांधना छोड़ देगी। भाई जी, सुर ताल समझती हो भाई जी? इसका जवाब मेरे पैर देंगे। महाराज, मैं संगत की आज्ञा चाहता हूँ। साज कौन सा रखोगे? साज और आवाज दोनों होंगे महाराज। महाराज, मैं इस मूरख की संगत नहीं चाहती। अरे दरबारी कांडा और मारू बिहाग में जय जयवंती की झलक देखी है? धुरपत धम्मार में शुरू हुआ भाई जी, तो धा नहीं पकड़ पाओगी धा। महाराज, मुझे लगता है कन्या डर गई। आज्ञा दीजिए महाराज, फिर आपके सामने ही फैसला हो जाए। इस चंचल बालक के लिए मन में क्रोध मत लाओ राजलक्ष्मी। संगीत की इस सभा को अच्छी भावना से शुरू करो। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के, रे मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामने दौलत छम छम कामने, चमकत जैसे कामने, चंचल प्यारी छप लागे, रे मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे।
किट धूम तेरे किट धूम ताता मृदंग बाजे त्रिकर धूम ताता नाचत चूम चूम ताई ताता चूम चूम चना नाना चूम चूम चना नाना क्रांधा 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 मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका सगरे मग पमध पानी दसनी सारे सनी दबा मा पदानी सारे सनी दबा मा बगा मा दबा गा मा रे समाजो बन में राधिका नाचे रे सनी दबा मा पदा बगा मा रे सनी रे सजा गा मा सजा नी दसा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका ओते नादर दिलता नीता धारे धीम धीम ताना नादर दिलता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर दिलता नीता धारे धीम धीम ताना नादर दिलता नीता धारे ओते ताना धर दिलता ना धर 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 तुम धर 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 तुम तेरी गड़ता का तेरी गड़ तेरी गड़ता आधा ने नादर दिलता नेता ओदे नादर दिलता नेता ओदे नादर दिलता नेता दार रेम रेम ताला ना ने तेरी जान बचा ली समझो कि ये दूसरी बार जीवन मिला है मेरे राजकुमार को अरे देख क्या रही हूं ले जान से ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है राजकुमार तुम्हें अपने जीवन से खेलने का कोई अधिकार नहीं मैं चाहूंगा कि रास्ते लगते समय तक तुम महल से बाहर ना निकलो मौत को अगर आना है तो महल की चार दीवारी फांद कर भी आ सकती है दीवान साहब मेरी समझ में यह नहीं आता है कि आखिर वो कौन नमक हराम है जिसके मन में राजकुमार के लिए इतना क्रोध है क्रोध नहीं सुरेंद्र क्रोध नहीं लोभ लालच और मैं उस पापी को अच्छी तरह जानता भी हूँ अच्छी तरह जानते हो अच्छी तरह जानता हूँ तो फिर आप बताते क्यों नहीं ऐसे पापी की तो मोटी मोटी नोच कर कुत्ते को खिलाना चाहिए कौन है वो होठ सिले हुए हैं चाची ये भी कोई हंसी खेल की बात है पिताजी आप इन्हें समझाते क्यों नहीं उल्टी बात कौन किसको क्या समझा रहा राजकुमार तुम्हारा ये बचपना हमको पसंद नहीं चालाक राजकुमार हमारे इरादों से वाकिफ हो चुका है वक्त कम है लेकिन ये वादी हमको हर कीमत पर जीतनी है इसलिए ये वार हमारा आखिरी वार होगा बलवीर सिंह हम तुम्हारी तैयारी देखना चाहते हैं
इतनी रात गए यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? सिर्फ ये बताने कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं। मैं राजकुमार का मतलब नहीं समझा। आपके समझने और मेरे समझाने से पहले अच्छा होता जो ये जमीन फट जाती और आपके इस लोभी शरीर को निगल लेती, ताकि मैं कुछ कहने से बच जाता और आप सुनने से। मैं एक राज संचालक की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ, अपनी जुबान काबू में रखो। इस वक्त अगर मैं अपने हाथ पर काबू रख सकूँ तो यही बहुत होगा दीवान साहब। कौन? वही जो मेरा सर लाने के बदले आपके गले में शर्मिंदगी और नाकामी का फंदा डाल गए। मैं आखिरी बार कहता हूँ राजकुमार, ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहाँ है वो कायर जो भाग कर यहाँ आए थे? मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है। विश्वास कीजिए राजकुमार, आपकी सेवा और आपकी हिफाजत करना तो मेरी जिंदगी का नियम रहा है। मैंने आपके पिता स्वर्गवासी महाराज को वचन दिया था, आपको बेटे समान समझ के पाला और बड़ा किया, भला मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूँ? और से देखिए अपने आप को दीवान साहब, और फिर उसी वचन को दोहराइए जो आपने मेरे पिताजी को दिया था। जिल्लत के इस पसीने से, बुढ़ापे में इस झुकी हुई गर्दन से मौत कहीं ज्यादा अच्छी थी। ये सब आपने किस लिए किया? इस राज और सिंहासन के लिए, इस झूठी माया के लिए जिसे आज तक कोई अपने साथ नहीं ले जा सका। धिक्कार है ऐसे लोग पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो दूसरे की अमानत और अपने दिए हुए वचन से इस तरह मुंह मोड़ ले। युवराज सुनिए, सुनिए युवराज, आपको हमेशा मैं अपना बुजुर्ग समझता आया हूँ। आपकी पत्नी को अपनी माँ और आपके बेटे को अपना भाई माना है मैंने। इस राज के लिए मैं माँ का सुहाग और दोस्त के सर से उसके बाप का साया नहीं छीन सकता। दीवान साहब, मुझे ऐसा राज और सिंहासन नहीं चाहिए जिसकी जड़ों में मां का सुहाग और दोस्ती का खून दफन करना पड़े। अपनी इस पापों की झोली में इस राजपाट को समेट लीजिए, मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखिए, अगर भगवान के पास कुछ न्याय है तो ये ताज आप फिर इसी सर पर देखेंगे। राजकुमार का पीछा करो, और इससे पहले कि राजकुमार रियासत की हद से बाहर निकल जाए उसकी लाश हमारे सामने ले आओ। Thank you.
बहादुर के रास्ते का काटा आपसे आप निकल गया सरदार, मगर उन्होंने तो लाश लाने को कहा था। इतने ऊंचे से गिरा है, लाश तो क्या उसके टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। मौत की खबर ही काफी होगी। चलो अरे अब तो जरा झपक के कदम उठाओ रानी, यहाँ तो प्यास के मारे दम निकल रहा है और तुम अपनी कमर से मजबूर हो। 100 बार कहा है कि मेरी नाजुक कमर को ना टोका करो, ये निगोड़ी तो कल से नी दुख रही है। काली भैंस के गोबर का लेप लगा लो, एकदम ठीक हो जाएगी। अरे बोरी दैया कौन हो जी तुम? तू चुप रह, कौन हो तुम? हवा का झोंका, धूल, गर्द, इधर से आया उधर गया। देखो ना जमादार जी, चल चल के जूता भी फट गया इधर से। खाली एक रात बिताने को जगह चाहिए बस। आधी रात बिताने को? अरे तू चुप रह, मुंह बंद कर ना। जाओ जी यहाँ से जाओ, ये राजकुमारी चंद्रमुखी जी का पड़ाव है। राजकुमारी चंद्रमुखी जी का? अरे हाँ हाँ, राजकुमारी चंद्रमुखी जी का पड़ाव है, कोई धर्मशाला नहीं है। चलो चलो समापो। अरे चलो मुंह क्या देखते हो, हवा आने दो, चलो समापो ना। चलो 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 बनाओ टट्टू, चलो चलो टट्टू लाओ बेटा, हाथ जोड़ते हैं तुमसे। चलो चल चलो। अरे वहाँ का घर देख के मर रही है, यहाँ चल न। अरे अरे वहाँ क्या देख रही है? ये काली घटाएं आपके कोमल कांधों पर बोझ मालूम होती होंगी। हाँ चंपा, गर्दन दुख जाती है। वो घड़ी भी पास आ गई है जब इनका बोझ किसी और के बाजुओं पर होगा। पता नहीं वो कैसे होंगे, सपनों में तो जरूर आती होंगी। वैसे तो वो अब भी मेरे पास है। वाह भगवान, जान पड़ता है तुम मुझे कुआरी खा जाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। क्या करता हूँ? अरे पर भेजा भी और ताबड़तोड़ छीन भी लिया। जा 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 के सो जा तू, जा सो जा। चल चमकी सो जा। दूर गोरे बादलों के पार बद्रीनाथ के द्वार से साधु महाराज राजकुमारी चंद्रमुखी को शुभ निवेदन देने आए हैं। पर तुम हो कौन? मैं कहती हूं चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कन्या कन्या धीरज करो, कन्या धीरज करो, धीरज करो। अपनी लंबी जबान में गांठ लगाओ, गांठ लगाओ, गांठ। तुम ऐसे नहीं जाओगे, शायद धक्के का रास्ता। शांति, सावधान, खबरदार, साधु महाराज को चाटा देने का ध्यान भी न करना, वरना तकदीर जीवन के हर मोड़ पर भांत भांत के रंग बिरंगी चाटे तुम्हें अपने प्राइवेट चाटा भंडार से निकाल कर देगी। राजकुमारी इन छोकरियों को रोको, ये मूर्ख तुम्हारे आने वाले सुख चैन में आग लगा रही हैं। राजकुमारी ये तुम्हारे होने वाले प्रीतम को तुम्हारी आंखों के सामने से हमेशा के लिए ओझल कर देना चाहती हैं। नहीं महाराज नहीं, ऐसा ना कहिए, आखिर आप चाहते क्या हैं? प्रभु के दास मनुष्य से कुछ नहीं मांगते, शंकर इन कोमल कन्याओं का नंबर वार कल्याण करो। शिव शंभु कलकत्ता रहे न कोलंबु, कलकत्ता रहे न कोलंबु। राजकुमारी की दुहाई है, सरकार न मर गई, मैं लुट गई, मर गई, लुट गई सरकार, जड़ से काट ले गया, एकदम जड़ से। कौन काट ले गया, क्या काट ले गया? चुटिया सरकार, चुटिया। अब मुझे कौन पसंद करेगा? बंद कर, निश्चय इसने कोई पाप किया है। मैंने नहीं महाराज। खामोश, तूने एक बहादुर जमादार को वचन देने के बाद एक परदेसी पर पाप की नजर डाली। पर महाराज उस बुड्ढे को तो आंखों से कम दिखाई देता, थोड़े समय बाद इतना भी नहीं दिखेगा। संसार में नेक स्त्रियों के पति देव ज्यादातर अंधे ही होते हैं। हे महाराज, मेरी सुंदर जवानी तुम कटी रह जाएगी। जाओ 6 महीने तक अपने बचे खुचे बालों में काले घोड़े की दुम बांध कर रखो। सफेद घोड़े की नहीं चलेगी महाराज? नहीं राजकुमारी, काले घोड़े की दुम में जो कर्तव्य है वो सफेद घोड़े की दुम में अवश्य नहीं है। इन सबको अब चलता करो राजकुमारी, हमारी घोषणा का समय आ गया है।
आकाश फल के जंजाल करे और भगवान इधर इंसान उधर धर्मार पटक बहुचाल करे धर्मार पटक बहुचाल कर है? क्या मेरी मनोकामना पूरी कीजिए महाराज धन मेरी जीवन यात्रा सफल कीजिए धन 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 हम तुमसे अधिक प्रसन्न हैं आज आधी रात गए जब पूरब की घाटियों से चंद्रमा अपना सर निकालेंगे तुम अपने स्वामी की पुकार सुनोगे उस पुकार की ओर चलना तुम्हें अपने स्वामी के दर्शन होंगे सच महाराज हमारी घोषणा समाप्त हुई अब हमारी गाड़ी के चलने का समय आ गया है अरे रंजन शिव शंभू कलकत्ता हे कोलंबू सितारों
आहिस्ता। बदतमीज, पत्थरों की टोकरी और फूलों की झोली को एक जैसा समझते हो? जाओ। इन गंवार जाहलों से राजकुमारी का अपमान हुआ हो तो इन्हें माफ कर दीजिए। हुकूमत, और अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन मुझे यहाँ से वापस भिजवा दो। दिल के अरमान और जिंदगी की बहार को एक दफा पाकर कोई वापस नहीं लौटाता राजकुमारी। अपनी जबान को लगाम दो। जिंदगी और मौत का ये दाव मैंने बहुत सोच समझ कर लगाया है चंद्रमुखी। मेरे उठे हुए कदम न पीछे हट सकते हैं और न हटेंगे। मैं जितना समझती थी तुम उससे ज्यादा नीच निकले। मेरी मोहब्बत के बदले तुम्हारे इन होंठों ने हमेशा जहर उगला। तुम सदा इसी लायक थे और आज भी इसी लायक हो। सकता है प्यार का ये नाटक इसी तरह चलता रहता, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को लुटते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें किसी दूसरे के होते हुए नहीं देख सकता। मैंने अंतक सेवा की है तुम्हारी और तुम्हारे उस अपाहज बाप की जिसे दुनिया महाराज कहती है। और आज तुमने उन्हीं महाराज की इज्जत पर हाथ डाला जिनका नमक खाकर तुम पले हो। मैं एहसान करता हूँ उस निकम्मे बुढ़े पर जो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह सकता, जो शतरंज के एक मुर्दा मुहरी की तरह सिंहासन पर बैठा है। राजकुमारी, राज मैं करता आया हूँ और करता रहूंगा। इस राजपाट का सारा फैसला मेरी मुट्ठी में है। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है सेनापति, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। अपनी बेबसी और मजबूरी का ठीक अंदाजा लगाओ चंद्रमुखी, और समय का रंग देखकर फैसला करो। क्या है? पहरे पर अपने खास आदमी को लगा दो, सुबह पाव फटने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। बहुत देखी है ऐसी, सब खो खो करके रास्ते पे आ जाती हैं आखिर। लो रो रही है, अब रोती भी नहीं, अब खंभे की तरफ देख रही है, अब दरवाजे को देख रही है। हमसे कोई कहे तो दरवाजा भी खोल दें। कुमार, आप, अरे अरे अरे, तुम तो अभी से फूलों नहीं समा रही। नहीं, मैं तो अपने प्रभु के चरणों में सर झुका रही थी। आप यहाँ कैसे आ गए? ये आप बाप से काम नहीं बनेगा, तुम कहना पड़ेगा। तुम नहीं तो फिर मैं चला यहाँ से। सुनो तुम। हाँ तुम आगे कहो। तुम जंगलों में क्या करते फिर रहे हो और ठीक यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे कदमों के निशान देखता देखता, तुम्हारे बालों की महक का पीछा करता, तुम्हारी इन सुंदर आँखों की जो है कोई सुन लेगा। तुम्हें देखकर जान में जान आ गई, वरना ना जाने ये कमीना मेरी क्या हालत करता। जरा इसकी हिम्मत देखी तुमने? ये क्या छूटते साथी तुमने संसारिक कसम की बातचीत शुरू कर दी? आज पहली बार मिली हो। लाखों बार तो मिल चुकी हूँ तुमसे, लंबी लंबी बातें की हैं अपने मन मंदिर में। अरे राम 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 राम, बहुत झूठ बोलती हो तुम तो। तुमसे झूठ बोलूं तो यहीं मर जाऊं अभी। तो इसमें भी तो मेरा ही नुकसान होगा। नुकसान? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते थे। नहीं, पर तुम जब नहीं मिली तो प्यार का रंग मैंने तुम्हारी तस्वीर पर ही छलक दिया था। क्या क्या सोचा था मैंने, किस तरह तुमसे मिलूंगी, किस तरह तुम्हारे सामने आऊंगी, पर अब देखो ना तुम सामने हो और मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे, खाली दिल धड़क रहा है जोर जोर से। अरे अरे, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये भी कोई वक्त है बातचीत का? कौन बात कौन कर रहा है? तो जल्दी जल्दी कुछ करो ना। जल्दी जल्दी क्या करूं? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचो, वरना सुबह वो अपराधी मुझे यहाँ से ले जाएगा। वो अपराधी तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और मैं वहाँ कोने में बैठा बैठा उसका मुंह देखता रहूंगा क्या? तो फिर जल्दी कुछ करो ना, करो ना, कुछ जल्दी जाओ ना। देख क्या रहे हो? तुमको ये तो पता ही होगा कि तुम बहुत सुंदर हो। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ रास्ता साफ करके। कोई आ रहा है।
एक ठिकाना जीवन में, कल पैद में थे अब गुलशन में। नहीं एक ठिकाना जीवन में, कल पैद में थे अब गुलशन में। तकदीर की है सब कारीगरी, तकदीर की है सब कारीगरी। कोई प्यार की देखे जादूगरी, गुल फाम को मिल गई सब्र परी। कोई प्यार की देखे जादूगरी, गुल फाम को मिल गई सब्र परी। जागते में मैं ख्वाब देख रहा हूँ। क्या हो रहा है ख्वाब में? रात ढल चुकी है और हवा धीरे धीरे गुनगुना रही है। अब मैं एक नहायत ही हसीन लड़की के कंधे पर सर रख के अपने ख्वाब में सो रहा हूँ। मुझे तो पहले ही मालूम था। क्या मालूम था? तुम्हारा क्या भरोसा? ठीक, उस लड़की ने मुझसे यही कहा। क्या कहा? यही कहा जो तुम अभी कह रही हो, तुम्हारा क्या भरोसा? मेरी नकली क्यों करती है वो? उससे कहो कोई अपनी बात करे। सुनो, चलो यहाँ से। कहाँ चलें? कहीं भी चलो। अलग अलग चलें? नहीं, साथ साथ। हमेशा? हमेशा। वादा? वादा। मैंने आपको रोका था कि सरहद के खतरनाक इलाकों में राजकुमारी को मेरे बगैर जाने की इजाजत ना दीजिए, लेकिन बाप का दिल नादान बेटी की जिद पर झुक गया और जिस चीज का डर था वो सामने आ गई। हम इस भयानक सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तुमसे मदद मांगते, जिस तरह भी हो हमारी प्यारी बेटी को हमारे पास ले आओ। चिंता ना कीजिए महाराज, रियासत के कोने कोने मेरे सिपाही फैल चुके हैं, हर तरफ तलाश हो रही है। तो ऐलान कर दो कि हम पता लगाने वाले को मालामाल कर देंगे। सरकारी हुक्म है कि जो शख्स राजकुमारी का पता लगाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। कटक
राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी जी, तुम मेरी गर्दन गई काम से। राजलक्ष्मी जी, राजलक्ष्मी जी, थैंक यू। कोई युद्ध करने आए थे यहाँ? आया नहीं, जा रहा हूँ राजकुमारी की खोज युद्ध पर। बस 50,000 रुपये खड़े और फिर अपनी रानी से यू लगन करूंगा। यू यू क्यों है ना बापू? सच कहता है तो फिर मुझे आशीर्वाद दो बापू। भगवान इसे बुद्धि दो। बुद्धि? बुद्धि का मैं क्या करूंगा? क्या बकते हो बापू, जवान की बात करो जवान की। हाँ राजलक्ष्मी जी, तुम भी मुझे आशीर्वाद दो। कभी नहीं। तो फिर धीरे से ढकेल ही दो। हाँ? अच्छा के लिए। ये अन्याय होगा। अन्याय नहीं, तुम्हारा बेटा राजकुमार का सबसे बड़ा दोस्त और भाई के समान। पिताजी, क्या आप चाहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के राज पर डाका डाले? तो फिर क्या किया जाए? उसकी लाश भी तो नहीं मिली जो सिंहासन पे बिठा देता। अब यहाँ उसके जूते रख दूं? ऐसा ही करना होगा, हमारे देश में ऐसा हो भी चुका है। बेवकूफ अंजाम लग के खामोश। हम कह चुके हैं सिंहासन अब और खाली नहीं रह सकता। नहीं नहीं, मैं अपने प्यारे बच्चे का पता खुद लगाऊंगी, उसे देश देश जंगल जंगल ढूंढूंगी, चाहे उसमें मेरा अपना जीवन क्यों ना काम आ जाए। माता जी ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा, अभी तक इनको होश नहीं आया। वैद्य जी को फिर से बुला लो बाबा। वैद्य जी नहीं, अब तो भगवान के हाथ में है इसका जीवन। बेटा तुम थक गई होगी, अब आराम करो। नहीं बाबा, तुम सो जाओ, मैं अभी यहीं बैठूंगी। खोज में यहाँ तक आ जाए। क्या? अगर मोहब्बत के इस इम्तिहान में तुम उसे धोखा देकर भागना चाहती हो तो जाओ। तो वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है। जिंदा है वो? तुम्हारे इंतजार में है। कहाँ है वो? उसी कमरे में जहाँ से तुम आई हो। सरकार, आपका ये दांव भी खाली गया। मैंने तो पहले ही कहा था। ठीक कहा था तुमने, प्रेम के पंछी इस तरह के सख्त बर्ताव से काबू में नहीं आते हैं। इस नाजुक तितली पर शांति और नरमी का जाल फेंका जाए। हाँ, इस वीरान किले को स्वर्ग का नमूना बना दो। इसके हर कोने को चिरागों से रोशन कर दो। हर तरफ संगीत का रंग रचा दो। इसके हर दरवाजे से मधुर सुरों की आवाज और पायल की झनकार आने दो। जाओ। Thank you.
बहुत खुश दिखाई देती हो। तुम्हारे अच्छे होने की खुशियां मना रही हूँ। मोहब्बत शोर नहीं मचाया करती राजलक्ष्मी। सुनो, ये तुम रोज रोज भगवान से क्या मांगने जाया करती हो? अब कुछ नहीं, जो मांगा था वो उन्होंने दे दिया। बहुत मानते हैं तुम्हारी। दासी ने सेवा भी तो बहुत की है। तो फिर एक सिफारिश हमारी भी कर दो उनसे। करोगी? क्या चाहते हो? उनसे कहो कि वो काली घटाओं से बाल हिरन जैसी मस्त आंखों वाली अप्सरा को हमारे पास भेज दें। मिली हुई चीज क्यों मांगते हो? ये किस लिए? भगवान ने मेरी सुन ली। तुम्हारी सिफारिश करने से पहले उनको दिया हुआ वचन तो पूरा कर दूं। मैंने इनसे कहा था जब तुम अच्छे हो जाओगे तो एक बार फिर ये पांव तुम्हारे छेड़े हुए तारों पर नाचेंगे, एक बार फिर ये मूर्ख मन बीते हुए सपनों में खो जाएगा। मैं खो चुका हूं सपनों की ऐसी ही दुनिया में जहां सुख की बरखा कभी नहीं थमती, जहां प्रेम के राग एक बार छिड़कर कभी नहीं रुकते। अपने सपने को सच कर दो, छेड़ो तार, मैं तुम्हारे साथ हूं। Thank you.
लिए अनमोल माला सेनापति की तरफ से राजलक्ष्मी को नजर, उन्होंने तुमको याद किया है। सौभाग्य मेरा काम। तुम्हारी कला के जादू से एक मुरझाई हुई कली में जान डाल ली है। मुरझाई हुई कली? मैं समझी नहीं। मैं वो समझा भी नहीं सकता। तुम्हें वहां चलना होगा। मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं भी तुम्हें यह समझा नहीं सकती। नर्तकी, हीरे और मोतियों से तुम्हारी झोली भर दी जाएगी। भगवान ने मुझे इससे भी ज्यादा दे रखा है। कौन था वो? सेनापति का आदमी। गए क्यों नहीं? मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। ये मुरझाई हुई कली कौन हो सकती है? होगी कोई, मैं क्या जानू। सेनापति कहाँ रहते हैं? राजगढ़ के पुराने किले में रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना है राज। अनजाने में कोई उससे दोष तो नहीं हो गया? नहीं राज, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद हूँ, कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें। मुझे भी साथ लेती चलो। डरो नहीं राज, भगवान मेरे साथ है। देखो लौटोगे कब? कह नहीं सकता, लेकिन एक बार तुमसे मिलूंगा जरूर। साधु महाराज नमस्कार। क्या है फरियादी, मांगो खटाखट। आप कुछ नहीं चाहिए महाराज? बंसी वाले को तंबूरे वाला तो मिल गया। शिवशंकर शिवशंकर, अरे तुम किधर की यात्रा का ध्यान है महाराज? राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज यात्रा में डावाडोल मंद है, पटास हो रहा है। इनाम का लोभ है गुरु? नहीं तो क्या मैं उल्लू का पट्टा हूँ जो यहाँ बैठा हुआ हूँ? किंतु महाराज, आपकी इस गंभीर खोज की घंघोर घटा कुछ छटी कुछ हटी? कुछ छटी थी कुछ हटी थी, पर इन दीवारों के पीछे मन का सूरज छुप गया है, खिड़की भी नहीं खोलता। तो बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मुद्दतों की ख्वाहिश इस तरह खाक में नहीं मिल सकती, इसे जिंदा रहना ही होगा। सरकार कायद की तन्हाई और अंधेरे से डरकर बेहोश हो गई है, इसकी दवा का बंदोबस्त हमने कर दिया है। क्या है? प्रेम रोग का अमृत जल, खूबसूरत फूलों की भीनी भीनी बास, चंद्रमा की ठंडी जोत और मधुर संगीत की मीठी ताने, यही सब प्रेम रोग की दवाएं हैं सरकार। मगर ये सब हैं कहां मालिक? वो सब आपके दर पे हाजिर है।
कौन हो तुम? हुजूर, मेरे पिता का नाम हिमालय सिंह गंगोत्री था और मुझे विंध्याचल नर्मदा प्रसाद कहते हैं। हम पूछते हैं तुम काम क्या करते हो? अजी मैं काम? अरे सरकार, मैं गलेबाजी का उस्ताद हूँ। सुनिए, आतालतान पातालतान मुर्की मरोड़ी हल्क गंभीरी गला गिटकिरी, ये सब मेरे उत्तम काम है। सुनिए, निकाल दो बाहर। सरकार तबले में सुनिए। अरे तबले के साथ सुनिए हुजूर, मैं तबले में सुनिए। सरकार तबले पे सुनिए। सरकार तबले पे हुजूर। सरकार तुम क्या हो? अन्नदाता असी सरदार भैरों सिंह दे पहले ते आखरी पुत्र हैं। असी अपनी एक ममूली तान से छत में सुराख कर देते हैं और लंबी तान से आसमान में सुराख कर देते हैं। जी जनाब, पाशाओ ये आसमान में अपनी किए हुए सुराख है जिनमें से पानी बरसता है। सरकार तुसी एक 16 मात्रे दी तान लगवा के वेखो। निकाल दो बाहर। सरकार ये तो नमूने सी। बादशाह साढ़े कोल तो 24 मात्रे दी भी है। तुम किस मर्ज की दवा हो? मैं तो खुद बीमार हूँ सरकार, ये देखिए। ये किस घसियारे को उठा लाए हो तुम? सरकार मैं घसियारा नहीं हूँ, मैं और मेरा बाप दोनों गधे बेचा करते थे, सो उसमें भी घाटा हुआ। तो यहाँ तुम गधे खरीदने आए हो? जी सरकार। क्या कहा? मेरा मतलब है नहीं सरकार, मैं तो अपने गुरु का तानपुरा लाया हूँ। कौन गुरु? शहंशाह महाराज गाने मुस्की, वो बादशाह है उस्ताबान बंदूकी, आली जाहे जयवंती, आलम पनाए ठुमरी, खुदा वंदे झंझूटी, वाले शान वाले बान वाले आन वाले तान, संगीतकार महाराज कोहे नूर बाबा, हम उन्हीं का तानपुरा लाए। तानपुरा क्या करेगा बेवकूफ गधे? देखिए सरकार, मैं शुद्ध गाली का बुरा नहीं मानता, पर अशुद्ध गाली में नहीं सहन करूंगा। मैं अछूत निश्चय हूँ, पर समय बदल चुका है। इस विचित्र तानपुरे का चमत्कार आपको ठीक आधी रात के गजर बजने पर नजर आएगा, जबकि पूरब की घाटियों से चंद्रमा निकलेंगे, तब इन तारों की झनकार से मुरझाए हुए फूल नीरज छोकरियों के समान अंगड़ाई लेके जाग पड़ेंगे। शांत और मुर्दा दिलों में मोहब्बत की धम्माल होने लगेगी और बेजान कलियां जिंदा हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब ये सर हाजिर है, काट कर कचरे के टोकरी में डाल दीजिएगा।
की रहन तेरी गलियों के फेरे तेरी गलियों के फेरे जोगी का रूप लिया प्रीतम ने तेरे जोगी का रूप लिया प्रीतम ने तेरे गोरी सुन ले बलम के बोल सैया तोरे द्वारे खड़े हाँ सैया तोरे बलम तोरे द्वारे ओ सजना तोरे द्वारे खड़े अपने पिया से ओ, ओ, ओ मिलना है आज तो है अपने पिया से जाने ना भेद कोई तेरे जिया के जाने ना भेद कोई तेरे जिया के मन मन में सजनिया डो सैया तोरे द्वारे खड़े सैया तोरे द्वारे वो बलम तोरे द्वारे खड़े बिगड़े ना बात कहीं धीरज ना खोना बिगड़े ना बात कहीं धीरज ना खोना जागे हैं भाग अब काहे का रोना जागे हैं भाग अब काहे का रोना तेरा जीवन बड़ा अनमोल सैया तोरे द्वारे खड़े ओ जरा मन की केवड़िया खोल सैया तोरे द्वारे खड़े ओ सैया तोरे द्वारे ओ बलम तोरे द्वारे खड़े बादशाह उस्तादाने बंदूकी संगीतकार महाराज कोहिनूर बाबा की खिदमत में उनका महामहिम बालक प्रणाम करता है। अरे आप भी झुकिए ना। अच्छा एकदम से झुकिए। अच्छा भाई ये लो। उठो। ये क्या हमारे बिना हमारा बालिका दो पल में गल गल के धुरपद नाश कांगड़ा हो गया। महाराज बिना जल की मछली समान फरकी खा रहा था। हमको यकीनी है। आओ हम तुम्हें अपने ध्यान ज्ञान की छीछा लेदर नदी में डुबो दें। सत्य गुरु महाराज। मगर महाराज मेरे साथ इनको भी डुबोइए। हाँ महाराज मुझे भी डुबो दीजिए बहुत तकलीफ में हूँ। हाँ महाराज ये जीवन बहुत लफड़े में फंस गया। हमारे सौभाग्य है महाराज कि आप यहाँ पधारे। पर साधु सन्यासी ज्ञान ध्यान की सुगंध है। नदी बहती है पवन डोलती है इसी समान हम भी एक ठिकाने नहीं ठहरते। ठहर जाइए महाराज आपके ठहरने से हमें नया जीवन मिल जाएगा। पर तुम एक संसारी हो और हम ईश्वर के कलाकार। सृष्टि की दृष्टि और हृदय प्रचारक की घोषणा मनुष्य के आंसुओं का समंदर ठंडे जल का छलकाश करता है। हम नहीं ठहर सकते। कृपा कीजिए ठहर जाइए महाराज ठहर जाइए। महाराज यूं निराश ना कीजिए। आश निराश की अगन भट्टी काश प्रकाश की धारा से भस्म नहीं हो सकती। महाराज महाराज अभी नहीं। प्रेमी जीवन की खंड खोचना और संसार के चित्रावीकली की गड़बड़ चेष्टा अधारक हृदय पर धुरपटाक हो ही नहीं सकती। आशा कोश और चिंता दोष दोनों समाप्त हो जाएंगे। आशा कोश और चिंता दोष ये दोनों कौन है महाराज? ये दोनों प्रेम प्राणक के अचानक और भयानक पुत्र हैं जो अपनी अचानक और भयानक के भविष्य से मनुष्य के जीवन को विद्यातिक भोषण भंडार कर देते हैं। नहीं नहीं महाराज मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं आपके चरणों में देहांत हो जाऊंगा। नटखट बालक हमारे कदमों में अपना कब्रस्तान तामीर न कर। हमारी दया का अतः सागर खलबला उठा। खलबलाने दीजिए महाराज। अपने कर्तव्य के विरुद्ध हम 3 दिन तुम्हारे इस झोपड़े में विराजमान होंगे और तुम्हारी दुर्घटनाओं को अपनी सुरफटनाओं से घड़ांघड़ित कर देंगे।
महामहू बालक जी मेरे मालक बस बीनी और दो गोश बेसुन सुना कल सवेरे 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 राजकुमारी के इर्द गिर्द इर्द गिर्द मनमोह मुलायम का अखंड जाप करना होगा जाप करना होगा समझी दही खरगोश समझी दामा का ओडिनाल मिंगे पौध यल्लै तांडवन राजंग पड़ियल वंद पायंद वलम वीर कोट्रम सैय वल्ली अम्मा और मन और पीरी कलंग पोदमाटो ठीक से ले जाना बालक इस सुगंधित पत्र में यहाँ से भागम भाग का प्रोग्राम है झूल में देखो पत्र धरा है भागम भाग का मंत्र धरा है तू ध्यान लगा अरे तू ध्यान लगा तू ध्यान लगा तू फूल के भीतर ध्यान लगा तू फूल के भीतर ध्यान लगा तू फूल के भीतर ध्यान लगा तू ध्यान लगा तू ध्यान लगा तू ध्यान लगा तू ध्यान लगा बम 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 बोला बम बम बोला बम बम बोला बम 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 बोला लड़की ऐ नहीं हाथ रख हाथ ऐ जाओ दौड़ निकल जाओ यहाँ से निकल जाओ राजकुमारी मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी धन्य हो प्यारे सेनापति धन्य हो प्रेम युद्ध का ये पहला गोला तुमने बड़ी बहादुरी से अपने कपाल कद्दू पे सहन किया ये लाल लाल खून तुम्हारी विजय की जाहिर खबर है और सब बाया जाओ दूसरा गोला सहन करने की शक्ति तुम में नहीं है बाया जाओ अपने घायल हाथों से द्वार बंद कर देना मेरे मित्र द्वार बंद कर देना मनुष्य को बुद्धि से काम लेना चाहिए इतना लंबा चौड़ा जवान इतनी आन बान शान ना ही सींग ना ही पूछ इतनी लंबी लंबी मूछ विचार करने की थाओ है कन्या दोनों हाथों से समेट ले से नहीं मिलेगा ऐसा सुंदर जवान फिर कभी नहीं मिलेगा याद रख छोकरी जो अब की बार चूकी तो जीवन भर दुख दर्द के छपर खट पर पड़े पड़े चना जोर गरम का उद्घाटन करती रहेगी टट्टा टडडी टट्टा टडडी छट्टा रणा बोला समझिए सरकार समझिए शांति 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 राजकुमारी तुमने हमें अवश्य पहचान लिया होगा निश्चय महाराज लेकिन अनेक कष्ट उठाने के बाद अरे रे मेरी मूछ अरे मेरी मूछ अरे अरे रे 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 राव साहेब राव साहेब राव साहेब जरा थांबा राम 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 अब क्या कहा तुमने फिर से कहो कहना क्या था तुम मिल गए समझो जीवन मिल गया मुझको और ये क्या हो रहा है इधर देखो ए? राजकुमारी जीवन मिलने पर आंसू बहाए जाते हैं क्या ये तो खुशी के आंसू है राजकुमार कुछ नहीं प्रेम की उल्टा पलट हो गई प्यार का ढेला लग गया ठीक तो है लेकिन बाहर क्या हो रहा है कुछ हो रहा है ना कुछ हो तो रहा है बोला तो मेरी दाढ़ी कहाँ गई मेरी दाढ़ी राम 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 पानी
अच्छा आदमी है। कहाँ है? घोर अपमान, इंसल्ट गति, डिस्ग्रेस्ता, डिस्ग्रेस्ता, इंसल्ट गति, घोर अपमान। महाराज, सेनापति जी, तुम्हारे फटीचर प्रेम की कुकर घसीट ने हमारा सत्यानाश कर दिया। हमारी आलीशानता कीचड़ में मिलकर लीचड़ हो गई। महाराज, लॉ हंटर, हम इस घमंडी छोकरी की टेंटें फिश कर देंगे। नहीं महाराज, खामोशित रहो। नहीं डैम फूल। महाराज, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। राजकुमारी, तुम्हें सेनापति से अवश्य प्रेम करना होगा। नहीं करूंगी। अवश्य प्रेम करना। नहीं करूंगी। नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी, एकदम नहीं करूंगी। तो ले, कर ले। क्या कर रहे हो? तो लाओ, चलाओ, 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 चलाओ। इस अजीब तमाशे ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। इंसान का दूसरा नाम ध्यान ज्ञान में अटका लटका भूल भटक कप्तान है। कान सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं। आंख देखती है, अवश्य देखती है। पर क्यों देखती है, क्या देखती है, कैसे देखती है, विचार करने की ठाव है मेरे दोस्त। एक नटखट चंचल कठोर बालिका के मन में प्रेम की शुद्ध धुरपटास क्यों घोलनी चाहिए, कैसे घोलनी चाहिए, किस तरह घोलनी चाहिए, तुम जानते हो? मारपीट से, उसके बदन पर कोड़े बरसाकर। हरिओम, हरिओम। हम देख रहे हैं हमारी शक्ति पर तुम्हारा विश्वास डावाडोल हो गया। तुम्हारे मन में शक की खेच घसीट चालू हो गई। आप ठीक समझ रहे हैं महाराज। हरिओम, सत्य हरि, सत्य गुरु। मनुष्य का इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं। मैंने आप पर पूरा पूरा भरोसा किया महाराज, और उसका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया। ठोस अफसोस नादान मनुष्य, हमने अपनी शुद्ध खटापट से तुम्हारे सड़ियल प्रेम की बंजर जमीन में हल चलाया। सर घोट मुकट कट कोट कपट के मंत्र की बरखा की, और तुम्हारे मन में शक शिक्षु का काला चोर बकबक बक कर रहा है। मैं इन सब बातों का सबूत चाहता हूँ महाराज। तुम हमारी कुवती को ललकार रहे हो? जी हाँ। हमारी ताकती का इम्तिहान ले रहे हो? जी हाँ। तुम हमसे सबूत मांग रहे हो? जी हाँ। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तारों की झंकार, गुरु की पुकार, प्रेम की जय जयकार, चमत्कार, चमत्कार, महाबहुबल का अजीब जलाब। तुम तार छोड़ो, मैं तान लगाता हूं। दुनिया मेरे दिल की कली खिल गई।
महाराज आपके उपकारों से मैं धरती में गड़ गया हूँ। अवश्य महाराज आपके एहसानों ने मुझे मोल ले लिया। अवश्य अभी तो ये पत्थर और गलेगा, मोम बनेगा। मोम बनेगा? अवश्य। अब फिर पानी सब धुल जाएगा। सब धुल जाएगा? अवश्य। राजलक्ष्मी तुम्हारी लगन और अभ्यास में खोट आ गया है। कला की इस ऊंची मंजिल पर पहुंचकर तुम्हारे पैर डगमगाने लगे हैं। नर्तकी के पांव मन के साथ ना सकते हैं, मन दुखी है बापू। तुम भगवान के चरणों में खड़ी हो मूरख, सुख दुख सब इन्हीं का दिया हुआ है। कला का दान तुम्हारी झोली में डालने से पहले ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, क्षमा मांगो इनसे। कर होठों पर मुस्कान देखना चाहते हैं प्रभु, तुम प्रेम देना चाहते हो, प्रेम का दुख नहीं जानते। लो ये घुंघरू तुम्हारे चरणों में रखती हूँ, अगर इसकी झनकार सुनना है तो पहले दुखी मन के तार जोड़ना होंगे। जय गोविंद जय गोपाल। गुरु महाराज कम से कम दाढ़ी तो लगा के जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे इस पवित्र शरीर की छींचा गति हो जाएगी। अरे दाढ़ी लगाकर प्रेम करना बड़ा विचित्र मालूम होता है बालक, सामने वाली डर जाएगी। अरे डरे या मरे अपनी बला से, तुम अपनी मौत क्यों बुला रहे हो? और महाराज तुम्हारी इस दाढ़ी के कारण मेरे 50,000 रुपए डूब जाने का अंदेशा है। सावधान सावधान। तेल देखा, तेल की धार देख, देखा मोड़ दीवार की ओर, ध्यान धर करतार की ओर, मोड़ दीवार की ओर, ध्यान धर करतार की ओर, मोड़ दीवार की ओर। इस किले के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, आने जाने में देखो ना कितनी दिक्कत होती है। घबरा रही हो तुम? आप हैं कैसी? आप कैसे हैं? हाल तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आपको सुनने की फुर्सत भी होगी। मैं तो सुनती रहूंगी, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर बह जाएगा सुनाते सुनाते। देखो ना कोई आ रहा है। मैं भी देखता हूँ। नहीं नहीं तुम मत जाओ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दूध पी लिया? दूध 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 मैं अभी तो लाई थी जी, मैं दूध से ले आती हूँ। सुना जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ। और देखो जी दरवाजा जरा बंद कर दीजिए, जाओ जाओ। अरे नाम गुरु का छोटा बच्चा भाग बड़े गुल्लक, डर के मारे मेरा दिल धड़क रहा है सच। और मैं समझा था दिल तुम मुझको दे चुके हो। बस चुप रहो, तुम्हारी आदत जरा नहीं अच्छी लगती मुझे। कुछ होश भी है, अगर पकड़ेगा तो क्या होगा? पकड़ेगा तो बहुत पीटेगा कम वक्त। तो फिर क्या बचपना लगा रखा है, दिन भर दाढ़ी चिपकाए इधर उधर खरकोशना परकोशना करते फिरते हो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता क्यों नहीं सोचते? अरे तो और मैं क्या कर रहा हूँ? उर्जा पंछी उर्जा, कुत्ता भी नहीं आवत है। अरे भाग रे मुर्गी बल्लम भाला लावत है, बल्लम भाला बल्लम भाला। चंद्रमुखी
इधर मत जाओ, नहीं तो महाराज का ध्यानम ज्ञानम जापम खंडतम हो जाएगा। मत जाओ, अरे मत जाओ, नहीं तो महाराज शापम उछालम थोबड़ा भंगतम कर देंगे हम। हमें महाराज से बहुत जरूरी काम है। कहने जरूरतम समय विचारम पूजा से कालम कले तुम्हारा कले तुम्हारा क्या कही बाप तू पूजा भंग करने वाली है दुष्ट। क्षमा करो महाराज। निकल जाओ मूर्ख यहां से। महामहू बालिका। हाँ जी जनाब। तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं महाराज, भूल हो गई। मैं तुमसे बोलता था भूलम भटक दामन झटक, भूलम भटक दामन झटक, भूला मटक एकदम सटक, एकदम सटक भूला मटक, भूलम भटक दामन झटक, भूला मटक एकदम सटक, एकदम सटक। मैं खा के चलूंगा तुम नमक हराम को। वो कमीना महल में आकर वापस निकल गया और तुम सब मुंह देखते रह गए।
सरकार सरकार, मेरा तीर छाती के बदले उसके दाहिने हाथ को छेद कर निकल गया। मैं तो कहता हूँ खून अब तक बंद नहीं हुआ होगा। कौन था वो, कौन था वो? उसकी लाश हमारे सामने क्यों नहीं आई? निवेदन निवेदन, शुभ समाचार शुभ समाचार। निवेदन, मारपीट बंद करो बालक और ढोल ताशा चालू करो। महाराज आप यहाँ कैसे आ गए? हम शीतल जल में माछी का और तुम्हारे नथनों से तुम्हारे फेफड़ों में ठंडी पवन का आवन जावन किस प्रमाणे होता है, ठीक वही प्रमाणे हम ईश्वर के दृष्टिवान भक्त आताल से पाताल तक आते हैं जाते हैं जाते हैं आते हैं। खुश हो जाओ सेनापति, तुम्हारा कष्ट खलास हो गया। कष्ट खलास हो गया वो कैसे महाराज, बताइए ना। जनता सुनती है पीछा करो। महाराज आखिर बतलाइए ना क्या हुआ, बतलाइए ना बतलाइए ना। सेनापति जी, आपकी फरमाइश के अनुसार राजकुमारी की त्रिया हट हमारे मनमोह मुलायम के मंत्र की खटाखट से एकदम फट हो गई। अच्छा, दुख दर्द की गांव में छेद हो गया सेनापति जी, और यही कारण आज रात प्रेम रस की वर्षा होगी। महाराज मैं आपका मतलब नहीं समझा। राजकुमारी जी की स्वयं इच्छा है कि आज रात राग रंग की एक चकाचक सभा गणित हो जाए। अच्छा, जिसमें वो गाएंगी पोटली का पीलू। पोटली का क्या कहा आपने? पोटली का पीलू, पोटली का पीलू। और हम उस पोटली के पीलू में अपने शुद्ध मधुर रस की धुरपटास घोलेंगे। धुरपटास, शुद्ध धुरपटास, धुरपटास। हाँ, हवाएं नाचेंगी कथाओ कली और चांद तारे बजाएंगे तबले पर झपताला। दिन कर दिन नाचूंगा कथा, दिन कर दिन नाचूंगा कथा, टिकट टिकट दिन दादा, टिकट टिकट दिन दादा, टिकट टिकट दिन दादा। महाराज चूना कथा धुरपटास। दिल का अफसाना सुनाते हैं सुनाने वाले, काश समझे न मोहब्बत को मिटाने वाले। प्यार का नाम भी चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा। चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा। लुटेगा घर तो फिर इस घर के मेहमानों का क्या होगा। चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा। तक तो सलामत है गरेबान इश्क वालों के, अगर फसले बहार आई तो दीवानों का क्या होगा। अगर फसले बहार आई तो दीवानों का क्या होगा। चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा।
शम्मा तेरे जान सारों में। अभी तो दिल ही जलते हैं मोहब्बत के शरारों में। किसी ने पर जला डाले तो परवानों का क्या होगा, किसी ने पर जला डाले तो परवानों का क्या होगा। चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा। तो दिल में पोशीदा है अफसाने कयामत के, हकीकत हो गई जाहिर तो अफसानों का क्या होगा। हकीकत हो गई जाहिर तो अफसानों का क्या होगा। चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा। अगर पी कर बहक उठे तो मस्तानों का क्या होगा। अगर पी कर बहक उठे तो मस्तानों का क्या होगा। चलेंगे तीर चलेंगे तीर तो अरमानों का क्या होगा। चलेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का क्या होगा। आइए गुरुदेव आइए। सेनापति जी, प्रेम युद्ध की ये उत्तम धैर्यपटा समाप्त हुई। चंद्रमा समान राजकुमारी चंद्रमुखी का चंचल और शरीर मन प्रेम रस में मलिया मेटिक हो गया। महाराज, तो क्या मैं समझ लूं मेरी आशाएं सफल हो गईं? मेरे जीवन का कष्ट समाप्त हो गया? ये जीवन एक लंबी कष्टिम कष्ट की यात्रा है बालक। एक कष्ट आता है तो दूसरा कष्ट जाता है, तो तीसरा कष्ट आता है तो चौथा कष्ट जाता है। महाराज, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये आवन जावन, ये भादों सावन, गर्मी सर्दी और रात दिन की खटाखटिक रेल पेल बदलती रहेगी, मगर मनुष्य के हृदय में गड़ा हुआ प्रेम का फौलादी खंबा अटल गड़ा रहेगा। सत्य है या झूठ राजकुमारी? ओड़ी नालम इंगे पोदे इल्ले तांडो मन राजंग पड़ियल वंद पायंद वडम वंद पायंद वडम वंद पायंद वडम। आपका काम पड़ गया महाराज? महाराज, आपकी कृपा ने मुझे नया जीवन दिया है, ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। साधु संतों को धन दौलत का लोभ नहीं होता सेनापति। महाराज, आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना महाघोर पाप है, ले लीजिए ना। इस मूरख बालक के बेडौल शरीर से अनेक संसारिक बदबू आती है राजकुमारी। किंतु महाराज, इस मूरख का कोमल मन ना तोड़िए।
ना तोड़ू ना तो लाइए जनाब। जालिम सिंह जादो जालिम सिंह की खोज करते करते हम लोग खुद भी खो जाएंगे। आप छोड़ो बेटा, भगवान में सब कुछ शक्ति है। भगवान की शक्ति देख रहा हूँ माँ, बिजली की कड़क, बादलों की गरज, आंधी तूफान। नहीं नहीं बेटा, प्रभु के चरणों में ऐसी बातें नहीं किया करते। वो इस तूफान को जरूर रोक देंगे और मेरे बेटे को मुझसे मिला देंगे। मेरे बच्चे को मुझसे मिला दो, मुझे बता दो कि वो कहाँ है, मुझे बता दो कि वो कहाँ है। राजकुमार चंद्रमुखी, बोलते क्यों नहीं महाराज, तुम्हारी उस सुरीली आवाज को क्या हो गया है? मैं नहीं जानता था कि संगीतकार महाराज तबले की ताल पर नाचने वाला एक ओछा नट है। तुम अपने नटपने का इतना भारी इनाम पाओगे महाराज कि जिसके बोझ से तुम्हारा गला मीठी तानों के बजाय दर्दनाक चीखों का आलाप करेगा। तुम्हारे हाथों में यही लोहे की चूड़ियां होंगी और तुम्हारे पैरों में इन्हीं जंजीरों के कड़े होंगे। तुम एक नया सॉन्ग रचाओगे और हम देखेंगे।
राजगढ़ की जनता और दरबारियों को मालूम हो कि आज इस दरबार में सबके सामने एक संगीन मुकदमे का फैसला किया जाएगा। सबके सामने जुर्म परखा जाएगा और मुजरिम को उसकी सजा दी जाएगी, ताकि लोग सबक हासिल करें और ये याद रखें कि हमारी हुकूमत में कानून और इंसाफ के साथ साथ हम भी अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। फरियादी हाजिर किया जाए। मैं कैलाश नगर के दीवान की पत्नी हूँ। आपकी अदालत और उसके इंसाफ से अपने देश और उसकी प्रजा का हक मांगने आई हूँ। हमको अपनी राजपूती आन की सौगंध है कि अगर हमने या हमारी हुकूमत ने आपका कोई हक छीना हो तो वो आपको आज इसी वक्त इसी दरबार में लौटाया जाएगा। कैलाश नगर के राजकुमार राणा देवेंद्र प्रताप को कैद और जुल्म की बंदिशों से आजाद कर दी। कौन है वो बदबख्त जिसने हमारे अजीज राजकुमार को कैद करने की जुरत की? वो मनहूस और बेअदब आदमी राजगढ़ का सेनापति है। बिल्कुल गलत महाराज। सारा दरबार जानता है कि कैलाश नगर के दीवान बहादुर ने राजकुमार के मरने की खबर खुद हमको दी, जिसके कारण उनकी राजतिलक की रस्म भी पूरी न हुई। महाराज, मैंने जो कहा है सच कहा है। क्या सबूत है आपके पास कि मुर्दा राजकुमार अभी तक जिंदा है? क्या सबूत है कि मैंने उसे कैद कर रखा है? सबूत मैं हूँ। महाराज, मैं गवाह हूँ कि राजकुमार जिंदा है और सेनापति की हिरासत में है। ये कायर इंसानी लिबास में एक भेड़िया है। अपनी हवस और लालच के इस गुलाम ने यह भी कोशिश की कि राजगढ़ और उसके महाराज की इज्जत नोच कर अपने पैरों से कुचल दे। राजकुमारी, हम सबके सामने जानना चाहते हैं कि हमारी इज्जत पर कौन सा ऐसा हमला किया गया। कैलाश नगर के सफर में आपकी बेटी को शाही खेमे से जबरदस्ती उठा ले जाने वाला बुजदिल यही सेनापति है। सेनापति, क्या ये सच है? हम जवाब तलब करते हैं, क्या ये सच है? जी हाँ महाराज। बेगैरत, हम तेरे पापी शरीर को अपने क्रोध और नफरत की आग में जलाकर राख कर देंगे। हम तेरे बदन से बोटियां नोचकर भूखे कुत्तों के आगे डाल देंगे। गिरफ्तार कर लो इसे, ये कमीना जिंदा रहने के लायक नहीं। सिपाहियों, क्या तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना? हम कहते हैं गिरफ्तार कर लो इसे। जालिम सिंह, हम क्या कह रहे हैं? कहते हो बेवकूफ बुड्ढे, तूने अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार ली। हम सोच रहे थे ये काठ का उल्लू चुपचाप पिंजरे में बंद पड़ा रहेगा, लेकिन तूने चिल्ला चिल्लाकर अपनी मौत को बुला लिया है। तुम सब बागी हो गए हो, हम तुम्हें इस बगावत की सजा देंगे। नहीं, 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 बगावत, नहीं, नहीं। ये राजकुमार, ये सिंहासन हमारा है। तुम्हारी हुकूमत खत्म हो चुकी है। नहीं, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। मैं एक एक को फांसी के दरवाजे में लटका दूंगा। मैं तुम लोगों के पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ दरबारियों। वक्त बहुत कम है, फौज को हुक्म दीजिए, हमको फौरन राजगढ़ पे हमला करना चाहिए। राजकुमार की जिंदगी खतरे में है। राजकुमार की जिंदगी नहीं, हमारी उम्मीदें खतरे में है। ये राजपाट खतरे में है। नमक हराम सेनापति ने बगावत कर रखी है। राजकुमारी और राजकुमार दोनों उसकी कैद में है, और बूढ़े महाराज तो शायद अब तक कत्ल भी हो चुके होंगे। ऐसा होना भी चाहिए, कमजोर राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप स्वर्गवासी महाराज की वसीयत को भूल गए? वो भूल जाने ही के काबिल थी। सुरिंदर, मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर ताज्जुब हो रहा है। सुनने में नहीं आता, कैलाश नगर का सिंहासन तुम्हें आवाज दे रहा है। मैं इसकी आवाज को सुन रहा हूँ पिताजी। ये सिंहासन राजपूती खून की आन और वफादारी को ललकार रहा है। जाहिल लड़के, तुम इस राजधानी के मालिक बन सकते हो। मैं ऐसे राज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। धोखे और फरेब पर खड़ा हो। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ बगावत का ऐलान करना चाहते हो? अगर इंसाफ और वफादारी को राजपूत बगावत कहते हैं तो आज से आप मुझे बागी समझिए। Thank you.
सर झुका बदतमीज। इस गुस्ताखी की सजा जानता है? मौत से ज्यादा क्या दे सकते हो? हम तुझसे बदला लिए बगैर तुझे मौत के दामन में नहीं छुपने देंगे। तुम्हारे खून की हर बूंद, तुम्हारी जिंदगी की हर सांस हमारे पास गिरवी है। जालिम से राजकुमार की इन गुस्ताख आंखों से रोशनी छीन लो, सुलगते हुए लोहे की गर्म सलाखों से इनकी पुतलियां जला दो। लफंगे के आगे हाथ मत फैलाओ। नहीं नहीं महाराज, मुझ पर नदी पर दया करो, मेरी जान ले लो, मेरी आंखें फोड़ दो, राजगढ़ की प्रजा की अमानत उन्हें वापस कर दो। घबराओ नहीं, हम वादा करते हैं कि अपना कर्ज और उसका सूद लेने के बाद राजकुमार की लाश तुम्हारी गोद में डाल देंगे। नहीं 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 महाराज, मैं तुम्हारा पैर पकड़ती हूँ। चाची, हम तुम्हारी ममता का अपमान नहीं करेंगे। जालिम सिंह, बदनसीब बेटे को उसकी माँ के सामने सजा दी जाए, आगे दोनों को जुदाई का गम न रहे। ले जाओ। आने दो। मैं नए महाराज को मुबारकबाद देने आई हूँ और साथ ही उनसे उनका पहला इंसाफ मांगने भी। क्या चाहती हो नर्तकी? इस फरेबी की आंखें। मतलब? इन आंखों ने मुझे धोखा दिया महाराज, मोहब्बत के सब्ज बाग दिखलाकर मेरा जीवन लूट लिया। मैं इनसे बदला लूंगी। अच्छा, कैसे? इनकी रोशनी छीन कर मैं अपने मन में उजाला करूंगी। दिल तो नहीं कांप उठेगा नर्तकी? दिल? दिल नहीं, दिल नहीं, पत्थर है सीने में महाराज, पत्थर है। अच्छा, तो इस सुलगते हुए लोहे की आंच से इन फरेबी आंखों की पुतलियां जला दो। जाओ नर्तकी, मुजरिम के शरीर पर कोई दाग न लगे, हम किसी को ये वचन दे चुके हैं। ऐसा ही होगा महाराज। Thank you.
इसके हाथों से मेरी जिंदगी भर की मेहनत, मैं इन दोनों को इस तरह कभी नहीं देख सकता। ले जाओ। राजकुमारी, याद है मैंने कहा था जब उसे देखोगी तो इन आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। इन्हीं दो हाथों ने तुम्हारे प्रेमी को अंधा किया है। नर्तकी ने अपना बदला ले लिया, मगर मेरा बदला अभी बाकी है। आज के सारे बंधन टूट चुके हैं राजकुमारी। मेरी मोहब्बत ने दम तोड़ते हुए राजकुमार को जिंदगी दी और तुम्हारी मोहब्बत ने फिर उसे मौत की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी मनहूस जबान से मोहब्बत का नाम लेते हुए तुझे लाज नहीं आती टाइम? डाइन नहीं, मैं एक नर्तकी हूँ और तू अपने नीच खून को छिपा नहीं सकी। अगर तुझे मोहब्बत का इतना ही दावा है निर्लज, तो अपने इस पापी शरीर और हाथों को जला दे जिनसे तुमने अपनी मोहब्बत को अंधा कर दिया। ये भी एक अंदाज है मोहब्बत का निर्लज। चली जा यहाँ से। मैं जाती हूँ राजकुमारी, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुमने अपने आप को सेनापति के हवाले न किया तो कल राजकुमार की लाश तुम्हारे सामने पड़ी होगी और उसके खून का कलंक तुम्हारे माथे पे होगा। मेरी मोहब्बत ने दम तोड़ते हुए राजकुमार को जिंदगी दी और तुम्हारी मोहब्बत ने फिर उसे मौत के चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। यही कलंक कल तुम्हारे माथे पर भी होगा राजकुमारी, जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी प्रेमी को फांसी दी जाएगी। राजकुमारी चंद्रमुखी, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है। मैंने यकीन कर लिया था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। मजबूरी और बेबसी के आगे मैंने अपना सर झुका दिया। तो कल सुबह सबके सामने तुम्हें मेरी और इस राजधानी की रानी बनना मंजूर करना पड़ेगा। राजकुमार की रिहाई के बदले मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। चंद्रमुखी, काश तुम मेरी मोहब्बत को समझ सकती। महल नहीं बनता जब तक बहुत से खंडरात गिरा ना दिए जाएं। मोहब्बत कामयाब नहीं होती जब तक कि दूसरी मोहब्बत का गला ना घोट दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने प्यार के मरहम से तुम्हारे दिल के सारे जख्म भर दूंगा। मैं तुमसे एक वादा मांगती हूँ। मांगो चंद्रमुखी, मांगो, तुम्हें पूरा इख्तियार है। इन सब बातों से पहले मुझे एक बार राजकुमार से मिलवा दो। राजकुमार से? आखिरी बार। अच्छा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपने दिल पर यह पत्थर भी रख लूंगा। ले जाओ और इस पुजारन को इसके अंधे भगवान से मिलवा दो। Thank you.
नसीबी की आग में हमारा सब कुछ जल गया। जुल्म की आंधियां हमारी मोहब्बत की राख अपनी झोली में समेट कर ले गई। हर रात का अंधेरा सवेरे की रोशनी में बदलता है चंद्रमुखी। लेकिन उस सवेरे की रोशनी मेरी आंखें नहीं देख पाएंगी। जब शबनम के कतरे सुनहरी किरणों में जगमगा रहे होंगे, मेरा ये जिस्म नग्न होगा, यही महल होगा, यही दीवारें होंगी। लेकिन मेरी मोहब्बत का कातिल मेरी मां के सिर का मालिक होगा। मैं जानता हूँ ये महंगा सौदा तुमने किसके लिए किया है चंद्रमुखी। नहीं नहीं मेरे अच्छे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी ना कर सकी। ये बदनसीबी नहीं तो क्या है कि तुम्हारे लिए फूल चुनो और वो कांटे बन जाए। खुशियों की दुआएं मांगू और तुम्हें दुख के सिवा कुछ भी ना मिले। मोहब्बत को सुख दुख के तराजू में नहीं तोला जाता चंद्रमुखी। ये मुसीबतें खून के आंसू रुला सकती हैं, दिल से प्यार का नक्श नहीं मिटा सकती। जंजीरें इस जिस्म को जकड़ सकती हैं, मेरी मोहब्बत को कैद नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक औरत हूँ राजकुमार, और मेरा शरीर मेरी मोहब्बत की अमानत है, मेरा धर्म है। और ये वादा है कि इस परीक्षा में मैं अपना धर्म नहीं गवाऊंगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मेरे करीब आओ चंद्रमुखी। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी मेरे देवता। सिर्फ तुमसे यही कहना था कि मैं जा रही हूँ इस कैद और इन पाबंदियों से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा नाम लेना कोई जुर्म नहीं, जहाँ तुमसे मोहब्बत करने की कोई सजा नहीं। हरगिज नहीं चंद्रमुखी, प्यार की ये बाजी भी खत्म नहीं हुई। इंसान फैसला कर चुका है, लेकिन भगवान का फैसला भी बाकी है। राजकुमार, तुम देख सकते हो। और तुम ये समझती थी कि मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को अंधा कर दिया। मैंने दुनिया की आंखों को धोखा दिया राजकुमारी, अपनी मोहब्बत को नहीं। नर्तकी, मेरी मोहब्बत पर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं, दासी ने अपना फर्ज पूरा किया है। कैलाश नगर से नंदा ने खबर भेज दी है राजकुमार। क्या सुरेंद्र कल तक अपने आदमी लेकर यहाँ पहुँच जाएगा? जी हाँ, आपके हुक्म के मुताबिक आपके वफादार सिपाही कल यहाँ वक्त से पहले पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि आप कामयाब हों। महाराज, आइए महाराज। प्रेम का ये दान जो तुमने मुझे दिया है राजकुमारी, इसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझे आज्ञा दो कि कल के शुभ दिन घुंघरों की ताल पर मैं तुम्हारे लगन मंडप के सामने नाचूं, और मेरे जीवन का ये मालिक अपनी आवाज से मेरा साथ दे। बेशक, तुम्हारे घुंघरों की झनकार और संगीतकार की आवाज के साथ हम अपने नए जीवन का स्वागत करेंगे। कुमार की जिंदगी खतरे में है, वक्त कम है और फर्ज ना ज्यादा, हमें बहुत जल्द वहां पहुंचना है। दुनिया में आने को है प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है। ढल चुकी शाम गम मुस्कुराने सनम, मुस्कुराने सनम।
जुल्फत बहारों में शामिल भी है आज पायल भी है, आज पायल भी है नगमाए दिल भी है, रंगे उल्फत बहारों में शामिल भी है, आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, वक्त की ताल पर नाचती है खुशी, नाचती है खुशी। घुंघरुओं की सदा रंग लाने को है, ढल चुकी शमे रंग मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है। सजने लगा साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है, ढल चुकी शामे गम मुस्कुराने सनम।
ची 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 इस विजय के समय इस तरह तुम्हारा आंसू बहाना कर चुप रहो तुम्हें मेरी कसम है सब कुछ राजकुमार को आज की विजय मुबारक हो दुश्मन के सिपाहियों ने आपके वफादारों के सामने हथियार डाल दिए इस कामयाबी का सेहरा तुम्हारे और बहादुर जनता के सर है सुरेंद्र लेकिन राजकुमार अभी मेरा फर्ज पूरा नहीं हुआ मैं शर्मिंदा हूं राजकुमार कि मेरे पिता हैं लेकिन आपके मुजरिम आप जो चाहें इन्हें सजा दें इनके लिए यही सजा क्या कम है सुरेंद्र के आज अपने ही बच्चों के आगे इनका सर इस तरह झुका हुआ है दीवान साहब आपके बेटे ने आपके गुनाहों की कीमत अदा कर दी आप आजाद हैं राजकुमार राणा दविंदा बहादुर की राजकुमारी चंद्रमुखी की राजकुमार राणा दविंदा बहादुर की राजकुमारी चंद्रमुखी की राजकुमार राणा दविंदा बहादुर की राजकुमारी चंद्रमुखी की राजकुमार राणा दविंदा बहादुर की बधाई हो राजकुमार तो मोहब्बत करने वाले दिलों को ये नया जीवन मुबारक हो बधाई की हकदार तुम हो राजलक्ष्मी हम दोनों को ये नई जिंदगी तुमने ही दी लेकिन ये मैंने तुमसे ही सीखा कि इस धरती पर एक इंसान किसी दूसरे का हक कभी नहीं छीन सकता मिल गए सब्ज परी कोई प्यार की देखे